तो अभी मैंने बर्तन साफ कुछ कर दिया है, और जो कल रात को बर्तन धोए थे वो भी यहाँ पर पड़े, उसको भी जो लगवाना है मुझे अंदर, और अभी जो मैंने धोकर खड़ी हुई वो भी यहाँ पर रखे, तो उसको भी साफ करके फिर मैं लगाऊंगी अंदर डिश वॉशर। तो बस अभी सुबह उठी, अभी मुझे नहाना बाकी है, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और चने भी मैंने लगा दिए कुक होने के लिए, क्योंकि अभी टिफिन में बनाना है चना चने की सब्जी और चावल। तो बस आपको सुनाई दे रही होगी सीटें, तो इसलिए आप देखते कितने सीटी बची है, और फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। और आप मेरे वीडियो में बने रहे, मेरे वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन होगा, जो भी मैं शेयर करूँगी सारा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस मेरे वीडियो पर आप ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो गुड्डू को भी मैंने अंदर सुला दिया है, उसको मैंने यहाँ पालने में सुला दिया है, और जो देख सकते हो घर में सारा कुछ बिछा हुआ पड़ा है। और यहाँ पर मैंने चने को लगा दिया है जो कुक होने के लिए, और सुबह बनाई थी जो बची हुई रोटी थी उसकी उसको उगाती थी, और साथ में चाय बनाई थी। और यहाँ पर लहसुन को जो तरह विंटर में मिलता है वही लहसुन को काट कर रख दिया है। तो बस यहाँ पर कुक हो रही है हमारा चना, तो एक सीटी और लगेगी। जब तक वो बनता है तब तक मैं नहा कर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तभी नहा धोकर रेडी होकर आई, तभी ये उठ कर रेडी हो चुका था, तो बस उनको मुझे लेना था, उनको लिया और खाना खिला, और बस उसको मैंने मोजा पहना दिया है हाथ पर, क्योंकि वो उंगलियाँ मुँह में लेता है तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो फिर मैंने उसको मोजा पहना दिया, और अभी मैंने ये चड्डी पहनाई है क्योंकि इसके लिए अच्छी है। और बस अभी मेरे गुद में खेली खेली कर रहा है, तो उसके साथ मैं थोड़ी देर खेलूँगी, और उसके बाद मैं करती हूँ कुछ काम, नया काम करूँगी, जो भी करूँ आपके साथ रहूँगी। तो बस अभी उसको उसके साथ थोड़ा खेलती हूँ, और अब उसके साथ खेलती हूँ। यहाँ पर देखो ओए ओए दानू कहीं ना देखू हुए तो अब जो नहीं जो उदारा। मैं कर रही हूँ खाना बनाना, तो खाना बनाने के लिए देख सकते हो अभी मैं टमाटर कट कर रही थी, और अभी वो जग गया तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ा उसका पाना चुनाने के लिए। तो बस अभी मैं सारा जो इंग्रेडिएंट्स था आज मैं बनाने चने की सब्ज़ी, तो कैसे बनाते वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो कैसे एंड तक बनी रहिएगा। तो अभी मैंने टमाटर यहाँ पर थोड़ा कट कर रखा है, और अभी प्याज को भी कट करना है, तो सारा मैं चॉपिंग कर देती हूँ। उसके बाद किस तरह से मैं इसमें किस किस इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ सारा मैं आपको दिखाऊँगी। तो सारा किचन मेरा वाइंड अप हो चुका है, सारा काम मैंने कर दिया, अब बस मैं खाना बना रही हूँ आराम से, क्योंकि घर में साफ सफाई हो तो खाना बनाना इजी रहता है, और काफ़ी अच्छी वाइब आती है जब खाना बनाते हैं उसी टाइम। तो चलिए अब मैं खाना बना, आप देख सकते हैं मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, और जो घर में भी काफ़ी साफ सुथरा हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ, अब मैं झाड़ू पोछा कर यहाँ पर डोल रखी है, सारा काम खत्म हो चुका है, बैलों को वहाँ पर सुला दिया है, और बस यहाँ पर मैं एक अमरूद खा रही थी, और ये रहा मेरा वाइंड अप किचन। तो बस अभी मैं सारा इंग्रेडिएंट्स चॉप कर रही हूँ, अभी मुझे दो प्याज भी कट करनी है, तो उसको भी यहाँ पर रख देती हूँ, और सारा कट कर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जोर लगा के हाइंजो
कुकर में चावल चढ़ा दूंगी क्योंकि कप मैं इसमें रखूंगी और एक दो सीटी में चावल अच्छे से रेडी हो जाएगी, तो बस मैं चावल इसमें बना देती हूँ। अब मैं उसे अच्छे से धो देती हूँ। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। जल्दबाजी में कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाता है। अभी हो चुका है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम के डिनर में आज क्या बनने वाला है, तो अभी मैंने चढ़ा दी है खिचड़ी। तो 2 से 3 की सिटी बजेगी और खिचड़ी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा दोपहर में मैंने आटा गूंदा था, वो बचा हुआ रखा था, तो वो भी कुछ बड़ा बचा हुआ है। और बस अभी मैंने चटनी बना रही हूँ। अभी लीला लहसुन मिलता है और मिर्ची ये सबसे, तो मैं आपको वही दिखाती हूँ। और ये दोपहर को जब मैंने आटा गूंदा था तो थोड़ा बचा हुआ रखा था वो वही, और यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। तो बस हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम उसका तड़का लगाएंगे। ना 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 ना